नमस्कार बच्चों, जैसा कि पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने सबसे पहला लिया था धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सबसे पहला ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। उसके बाद जो है उपनिषदों में मैंने ये बताया था, उपनिषद का अर्थ है उप का अर्थ निकट और निषेध का अर्थ बैठना। अतः गुरु के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। इन ग्रंथों में दार्शनिक विचारों पर विस्तृत विवेचन किया गया। ब्रह्म विषयक होने के कारण ही उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। उपनिषदों में ईश, कैन, कंठ, ऐत्रेय, तैत्रीय, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, वृधानायक, मैत्रणी, कौसातकी मुख्य है। उपनिषद ग्रंथ न केवल एक व्यक्ति अधिक योगदान दिया है। फिर है कि वेदांत। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांगों की रचना हुई है। बच्चों आप इसको नोट करेंगे कि वेदांग क्यों रचे गए। वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वैदिक काल के अंत में वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग 6 है, शिक्षा यानी शुद्ध उच्चारण का शास्त्र, कल्प यानी यज्ञीय विधि विज्ञान, निरुक्त यानी शब्द उत्पत्ति और निर्माण शास्त्र, व्याकरण यानी शुद्ध उच्चारण एवं लेखन का शास्त्र, छंद पद रचना से संबंधित, और ज्योतिष, सौर मंडल व अन्य विद्याओं का शास्त्र। वैदिक स्वरों का उच्चारण करने के लिए शिक्षा शास्त्र का निर्माण हुआ है। इस प्रकार वेदांगों से वैदिक ज्ञान का अध्ययन सरल हो जाता है। पाणिनि के अनुसार व्याकरण वेद का मुख है। व्याकरण क्या है? वेद का मुख है। ज्योतिष नेत्र है, निरुक्त श्रोत है, कल्प हाथ है, शिक्षा नासिका है, और छंद दोनों पद है। मतलब पाणिनि का जो है उसने इस प्रकार वेदांगों की व्याख्या की है कि इनका वेद से उसी प्रकार संबंध है। यानी व्याकरण है वो वेद का मुख है, ज्योतिष है वो नेत्र है, निरुक्त श्रोत है, कल्प हाथ है, शिक्षा नासिका है, और छंद दोनों पाद है। मतलब पूरा जो शरीर है, जो बनावट है, वो वेदांगों पर आधारित है। सूत्र साहित्य कालांतर में सूत्रों की रचना हुई। धर्म पर सूत्र, ग्रह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को ग्रह सूत्र कहा गया। श्रोत्र सूत्र में यागिक क्रम कांड का व्यवस्थित वर्णन है। यानी सूत्र क्या है? 3 है। धर्म सूत्र यानी धर्म पर प्रकाश डालने वाले, ग्रह संस्कार ग्रह सूत्र का आ गया, और श्रोत्र सूत्र में यागी क्रम कांड का व्यवस्थित विवरण है। फिर है स्मृति साहित्य। सूत्र साहित्य के बाद स्मृतियों की रचना हुई। इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इनमें 5 स्मृतियां मुख्य है। सबसे प्राचीन मनुस्मृति, इसका रचना काल ईसा पूर्व 200 ईस्वी के मध्य माना गया। फिर है याज्ञवल्क्य यानी 100-300 ईसी, नारद 100-400 ईसी, और बृहस्पति 300-500 ईसी, और कात्यान 400-600 ईसी के समय निर्धारित किया गया। मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियाँ वर्तमान हिंदू विधि के प्रमुख स्रोत हैं। नारद, बृहस्पति एवं कात्यान की स्मृतियों में प्राचीन न्याय व्यवस्था व कानूनी पक्ष पर जोर प्रकाश डाला गया है। फिर है महाकाव्य। ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के 2 प्राचीन महाकाव्य हैं, जिनसे बच्चों आप भी परिचित हैं, रामायण और महाभारत। जो आप न्यू जनरेशन के बच्चों अभी स्कूल से निकले ही हो, आपने अभी वैश्विक जो महामारी हमारे यहाँ कोरोना आई थी, उस दौरान जब लॉकडाउन हो गया था, उस समय दूरदर्शन के माध्यम से रामायण और महाभारत दिखाई जाती थी, और हम सबने देखा और आपने देखा कि रामायण में किस आदर्श समाज चित्रण का वर्णन है, और मर्यादम पुरुषोत्तम राम की जो भूमिका है उसमें दिखा
और महाभारत में थोड़ा सा छल कपट छंद, और महाभारत में तो ये भी कहा गया कि जो महाभारत में है वो विश्व में है, और जो विश्व में, जो महाभारत में नहीं है वो विश्व में है ही नहीं। ऐसी उन चीज़ों को आपने साक्षात देखा और महसूस भी किया होगा कि उस काल में और जो वर्तमान समय का जो काल चल रहा है उसमें कितना अंतर है। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में भारत के दो प्राचीन महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत का भी विशेष स्थान है। रामायण के जो रचयिता वाल्मीकि थे, जिन्होंने अपने नायक और आराध्य देव राम के चरित्र चित्रण के माध्यम से उस काल की दशा का चरित्र चित्रण किया है। महाभारत का प्रण वेद व्यास ने किया है, इसके कम से कम 3 संस्करण हुए हैं। जय भारत और महाभारत ये महाकाव्य देश की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, भौगोलिक दशा, संस्कृति, श्रमदी और रहन सहन आदि का विशद विवरण प्रस्तुत करते हैं। अपने वर्तमान रूप में ही रामायण संभवतः 2 सदी के अंत में विद्यमान थी। महाभारत का रचनाकाल 400 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। भागवत गीता महाभारत का ही एक भाग है, जिसकी उपाध्यता समस्त विश्व में स्वीकार की गई है। भारतीयों की आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणाओं का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। महाभारत के विषय में लिखा है कि जो महाभारत में है वह विश्व में है, जो महाभारत में नहीं वह विश्व में अलभ्य है। साधारण परिभाषा में रामायण आदि काव्य और महाभारत इतिहास माना जाता है। फिर है ब्राह्मण साहित्य में पुराण। तो पुराणों की संख्या 18 है, किंतु इनमें से 5 अधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये मत्स्य विष्णु हैं। सर्ग षष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग षष्टि का प्रतिविकास, मन्वंतर समय की पुनरावृत्ति, वंश राजाओं और ऋषियों की वंशावली, वंशारुचित कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां, बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन इसमें शामिल किया गया है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास में धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति आदि का विस्तृत रूप से विवरण है। पुराणों का रचनाकाल महाकाव्य कुओं के काल से गुप्त काल तक माना जाता है। पुराणों के वर्णन से राजनीतिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण में भारत की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाओं का वर्णन इस प्रकार किया गया है। उत्तर यत समृद्धस्य हिमाद्रश्चस्व दक्षिणम वर्षितद् भारत नमा भारती यत्र सनत्यति। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति एवं सीमाओं का वर्णन है। फिर है ये तो हुआ ब्राह्मण साहित्य। तो बच्चों, आप इस ब्राह्मण साहित्य को एक सर्किल से, इंडेक्स से समझेंगे कि सबसे पहला वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के कितने भाग, 4 वेद। फिर आए ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में जो वेदों पर जो टीकाएँ लिखी गई वो ब्राह्मण ग्रंथ में है। इनमें शतपथ ब्राह्मण, इत्री ब्राह्मण, तैत्री, इनको एक सर्किल से आप समझाएंगे। फिर है आर्णक, यानी वर्णों में पढ़ने जाने वाले ग्रंथ, उनको कहा गया आर्णक। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। उपनिषद, जो गुरु के समीप बैठकर लिया जाने वाला ज्ञान, वो उपनिषद है। उपनिषदों में ईशकंठ, कंठ, ऐत्रेय, तैत्रेय, मंडूक, मांडुक्य, ये है। इनको आप अलग से इंडेक्स से समझेंगे। फिर है वेदांग। वेदांग 6 है, और वेदों की रचना करने वाले या वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए तीन है। स्मृति साहित्य, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन 5 स्मृतियां प्रमुख है। फिर महाकाव्य है रामायण और महाभारत। पुराण 18 है, लेकिन इसमें से 5 मुख्य हैं। तो आप इनको अच्छे से अलग सर्किल से या जिस तरीके से आप पढ़ते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। आगे है, वो है बौद्ध साहित्य। बच्चों, बौद्ध साहित्य का जहाँ नाम आता है तो उसमें यह है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो साहित्य लिखा गया, जिसपे महात्मा बुद्ध के विचार, दर्शन आदि लिखे गए, वो क्या कहलाते हैं, बौद्ध साहित्य।
जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी का आएगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए, अगर बौद्ध साहित्य यानी ब्राह्मण ग्रंथों के समान ही बौद्ध ग्रंथों से भी प्राचीन इतिहास पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों से न कुछ उस तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है बल्कि जिन पर समकालीन ब्राह्मण साहित्य मौन है उस पर बौद्ध साहित्य लिखा गया है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, परंतु बाद में बौद्ध विद्वानों संस्कृत भाषा में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे पिटक ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में पिटक है, पिटक में त्रिपिटक यानी तीन पिटक है महत्वपूर्ण है। इनमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन तीन पृथक पृथक ग्रंथों में किया गया है जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा गया है। ये तीन पिटक हैं विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार और नियमों का संग्रह है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक में संबंधित आचार विचार और नियमों का संग्रह है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इससे ईसा पूर्व की शताब्दियों के बौद्ध समाज में प्रचलित नियमों के अतिरिक्त हिंदू समाज में प्रचलित रीति रिवाजों का भी पता चलता है। त्रिपिटक का रचना काल तथा इसमें प्राप्त सूचनाओं का समय मुख्य रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तथा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। फिर है जातक ग्रंथ। त्रिपिटक के बाद जातक ग्रंथ आते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जातक कथाओं का बहुत महत्व है। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं, इनमें से कुछ कथाएं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के जीवन पर प्रकाश डालती है। इन जातक कथाओं की संख्या 549 है। यद्यपि इन जातक कथाओं का दृष्टिकोण धार्मिक है किंतु इनके अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। मौलिक जातक संग्रह तो विलुप्त हो गया परंतु इन पर लिखी एक टीका जातक टडवान से हमें इनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर आता है बौद्ध ग्रंथों में अन्य पाली ग्रंथ। त्रिपिटक एवं जातकों के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथों से भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास निर्माण में सहायक अन्य पाली बौद्ध ग्रंथों में तीन ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं। वो हैं पाली ग्रंथ है ये, पहला है मिलिंदपनहु, दूसरा है दीपवंश और तीसरा है महावंश। मिलिंदपनहु में यूनानी नरेश मिरंडर और बौद्ध भिक्षु मिलिंदपनहु में यूनानी नरेश मिरंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के ऐतिहासिक मिलन और वार्ता का वर्णन है। दीप वंश और महावंश ये दोनों लंका के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है। दीप वंश और महावंश में लंका के प्राचीन तो समय के जो ऐतिहासिक है उस घटनाओं का लेखा जोखा है। इनकी रचना महानाम नामक कवि ने की। किसकी? दीपवंश और महावंश की। मौर्य साम्राज्य का इतिहास का अध्ययन करने में ये दोनों ग्रंथ सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है इसी क्रम में पाली ग्रंथ के बाद आता है संस्कृत बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा के अतिरिक्त संस्कृत में भी बहुत से बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें प्राचीन भारतीय इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। इनमें महावस्तु, ललित विस्तर तथा बुद्ध चरित्र मुख्य हैं। इन ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ साथ तत्कालिक जीवन के सामाजिक व सांस्कृतिक सूचनाएं भी मिलती है। अवदान ग्रंथों में दिव्यावदान एक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अशोक तथा उसके उत्तराधिकारों के विषय में बहुत जानकारी मिलती है। मंजूश्री मूल कल्प नामक एक अन्य ग्रंथ में प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त और
संकेत भाषा में लिखा गया इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ में मौर्यों के पूर्व से लेकर हर्ष तक के समय की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ वर्णन दिया गया है। इस प्रकार इन बौद्ध ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो बच्चों, जैसा कि आप ब्राह्मण साहित्य याद करेंगे, वैसे ही आपको बौद्ध साहित्य करना है। बौद्ध साहित्य मिलती है। अन्य पाली ग्रंथ वो तीन हैं, जैसे मिलन पन्नो है, दीपवंश है, महावंश है। मिलन पन्नो में क्या है वर्णन, दीपवंश और महावंश में क्या है, इनके रचनाकार कौन हैं। संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, तो संस्कृत वैसे तो उस समय आमजन की भाषा पाली थी, पाली में अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन बाद में संस्कृत में भी लिखे गए, तो इनमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र प्रमुख है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, उस समय की तत्काल सामाजिक व सांस्कृतिक जो जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। मंजुश्री मूलकल्प नामक एक अन्य ग्रंथ है, जिसमें हमें प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त और संकेत भाषा में लिखा गया इतिहास हमें मिलता है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन आपको याद अवश्य करनी है, क्योंकि ये कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। इतिहास विषय मैंने आपको पहले भी बताया, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ले लीजिए आप 10-15 क्वेश्चन तो इतिहास से, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे प्राचीन का हो, चाहे आधुनिक, मैं ऑल ओवर पूरे इतिहास की बात कर रही हूँ, तो इतिहास में से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप जिस ही लाइन में जाएं, आप अभी से इसको गहन अध्ययन के रूप में पढ़ें। जैसे कि जो भी ग्रंथ हैं या जो भी आपको पढ़ाया जाता है, उसका विस्तृत अध्ययन आप करें। तो जैसे कि मंजुश्री मूलकल्प नामक एक अन्य ग्रंथ है, इसमें प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त और संकेत भाषा में लिखा गया इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ में मौर्य के पूर्व से लेकर हर्ष तक के समय की राजनीतिक घटनाओं का बिखरा हुआ वर्णन। आप सोचिए कि इसका जो उसमें जो रचित है इतिहास है, वो कितना विस्तृत है कि मौर्यों से पूर्व से लेकर हर्ष तक के घटनाक्रम इसमें है। इस प्रकार बौद्ध ग्रंथों मिलती हैं। धन्यवाद।